दोस्तों मेरा नमस्कार। मैं सर्वेश, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका भाई। मैं आज बहुत खुश हूँ कि हम लोग इतने फाइट करने के बाद, हम लोग स्पोर्ट कोटे के प्लेयर हैं, आप जानते ही हैं कि हम लोग इतना फाइट किए, इतने फाइट करने के बाद आरपीएफ में आज तक स्पोर्ट कोटे की मान्यता नहीं थी, स्पोर्ट कोटे की भर्ती नहीं हो रही थी। और खुशखबरी है कि इतनी फाइट करने के बाद स्पोर्ट कोटे की मान्यता मिल गई है, रेलवे बोर्ड द्वारा स्पोर्ट कोटे की मान्यता दे दी गई है। अब हम लोग भी स्पोर्ट कोटे के अंतर्गत खेलेंगे, फाइट करेंगे और आगे अपनी ज़िंदगी को बनाएंगे। और मैं अपने जो प्लेयर हैं, जो खेल रहे हैं, जो नेशनल स्तर तक मेडल प्राप्त किए हैं जूनियर सीनियर में, उनको मेरा निवेदन है भाई कि आप लोग तैयारी करते रहिए। बहुत जल्द आरपीएफ में स्पोर्ट कोटे की भर्ती आने वाली हो, चाहे वो कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, कबड्डी हो, एथलीट हो, हॉकी हो, बॉक्सिंग हो, फुटबॉल हो, मतलब हर प्रकार की भर्तियां बहुत बड़ी मात्रा में निकलने वाली है। तो दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तैयारी करेंगे और स्पोर्ट कोटे की जो भर्ती आ रही है इसमें आप भर्ती होके आरपीएफ का नाम गौरव के साथ आगे बढ़ाएंगे और इंडिया खेल के इंडिया का नाम रोशन करेंगे, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे जिन्होंने आपको इतने त्याग करके खिलाया है, कुदाया है, इस जगह तक पहुँचाया है। दोस्त, विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, बहुत जल्द भर्ती आने वाली है स्पोर्ट कोटे की और आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि स्पोर्ट कोटा में लिखित पेपर नहीं होगा, फिजिकल होगा, उसका गेम देखा जाएगा, उसके बाद उसको भर्ती कर लिया जाएगा, उसको फिर रेल में आके खेलना है। एक बार अगर कोई प्लेयर रेल में आ जाता है तो सोच लीजिए उसका कैरियर बन गया, वो आगे इंटरनेशनल तक जा सकता है। आरपीएफ तो एक अच्छा क्षेत्र है कि जो सबको मौका देता है। हम लोग तो साधारण भर्ती हो के आए थे आरपीएफ में, लेकिन हम लोग को मौका दे के इतना ऊंचा उठाया गया, आज पूरा मदद किया जाता है और हम लोग को आगे बढ़ने का पूरा हमारे अधिकारी हमारा सपोर्ट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्पोर्ट कोटा आ गया है तब तो और अधिक सपोर्ट होगा और आप लोग हमारे भाई बहुत जल्दी आगे आएंगे तो आप लोग के साथ हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी मेरे दोस्त हैं अच्छी तैयारी करेंगे और इस भर्ती को छोड़ना नहीं है, बहुत मौके से ये भर्ती आई है आपके हाथ में, इसको त्यागना नहीं है, इस भर्ती को आने वाली है, इसके लिए तैयारी करिए, भर्ती होइए, अपने सर्टिफिकेट को संभाल के रखिए, अपने कागज़ पत्र अच्छे से तैयार करा लीजिए, आपके पास अपना कागज़ पत्र होना अनिवार्य होगा इसमें। दोस्त, मैं समझ सकता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी, आप तैयारी करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए कि अधिक अधिक से अधिक प्लेयरों तक ये सूचना पहुंच सके या अधिक से अधिक खिलाड़ियों तक ये बात पहुंच सके कि वो स्पोर्ट कोटे की तैयारी करें और जल्द से जल्द आरपीएफ में आके आरपीएफ का भी नाम रोशन करें। हम चाहते हैं, क्योंकि ये मेरा परिवार है, मेरा घर है, जहाँ से मेरा नाम हुआ है, मेरे को एक पहचान मिली है, आपको भी पहचान मिले, नाम मिले। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपका सपना पूरा हो, आप अच्छे खिलाड़ी बने और आपका भविष्य उच्च स्तरीय हो। बाय।